इतना धूप बहुत ज्यादा है। अपहिल बैटल जो मैं हार गया, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। गो What's up guys? Welcome to my new vlog. आज है फ्राइडे एंड आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जा रहा हूँ एंड ये इसलिए बिकॉज पिछले दो दिनों से हम पार्टी कर रहे हैं। पहले पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए हमें आज थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था एंड हम जिम भी नहीं जा पाए। इस चक्कर में हम सुबह थोड़ा सा आराम से उठे हैं, 6:30-7 बजे के अराउंड उठाऊँ मैं, जानू उठिया 8:30 के अराउंड, क्योंकि आज वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है एंड मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेट जाऊँगा भले ही, बट मैंने सारा का सारा मतलब काम स्टार्ट कर दिया था एंड अपनी मीटिंग वगैरह पहले घर से ले ली थी ताकि मैं सुकून में ट्रैवल कर पाऊँ। एंड जो अभी टाइम हो रहा है ना, वो बेस्ट रहता है ट्रैवल करने के लिए ऑफिस पे, बिकॉज कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, कोई बीटी नहीं होती, कोई चक्कर नहीं है, बस आराम से तुम गाड़ी चला के जाओ, सुकून में पहुँचोगे ऑफिस। बट एक चीज़ है कि मुझे शाम को थोड़ा लेट हो जाएगा पहुँचाने में, क्योंकि 6 घंटे करने हैं, तो 6 घंटे अभी से होने के बाद वो बहुत देर हो जाएगा, अंधेरा भी हो जाएगा मेरे ख्याल से तब तक तो। लेकिन अगेन ट्रैफिक कम मिलने वाला है तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो भी मेरे लिए। तो चलो अभी ऑफिस चलते हैं, मैं तैयार हो गया नहा धो के एंड अब फुल पावर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग में ले चुका हूँ एंड ऑफिस जाके अब बहुत सारा काम करना है, तो चलो चले दोस्तों। गाइस कर रहा था हम डेल के बाहर गए थे एंड हमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया था ना, इतना सारा मतलब हमने 3 स्टार्टर ऑर्डर कर दिए थे, उसके बाद 3 मेन कोर्स ऑर्डर कर दिए थे और बहुत सारी रोटियां मैंने ऑर्डर कर दी थी और मैंने उसमें से ना बहुत सारा खा लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर लिया था, इतना ज़्यादा कि सुबह से ना मेरा बिल्कुल मन ही नहीं रहा कुछ खाने का। यूजुअली इस टाइम तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ कम से कम 2, एक तो बॉयल्ड एग्स वगैरह खा लेता हूँ, साथ में सैंडविच और फ्रूट्स वगैरह सब खा लेता हूँ, बट सुबह से बिल्कुल मन नहीं रहा कुछ खाने का, मैं बिल्कुल खाली पेट हूँ। सोच रहा हूँ आज ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही लूँ, इतनी देर तो हो ही गई है कुछ खाए बिना, तो थोड़ी और देर सही। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो होती है कि तुम अगर 16 घंटे कम से कम कुछ ना खाओ ना और उसके बाद फिर खाना खाओ डायरेक्टली, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, मतलब बहुत देर से कुछ खाया नहीं भाई। तो लास्ट खाना कब खाया, 10 बजे से थोड़ा पहले खाया था, 10 बजे मान के चलें तो 10 से 10 और 2, 14 घंटे तो हो ही गए हैं। अब मेरे को इंटरमिटेंट के लिए 2 बजे खाना पड़ेगा खाना, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ना मैं ना लंच यही टीममेट्स के साथ करता हूँ एंड वो लोग करेंगे क्या 2 बजे लंच, वो तो बहुत भूखे होते हैं, उनको तो तुरंत ही होता है कि भाई चलो 1 बजे चलो खाना खोला है चलो चलते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी उस टाइम पे भूख लग रही होती है, मैं भी यही बोलता हूँ चलो चलते हैं, बट आज बात थोड़ी अलग है, क्या किया जाए। गाइस आपने कभी किया क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर आपने किया तो मतलब कितनी सबसे ज़्यादा देर तक कितनी देर तक किया, मतलब 16 घंटे 18 घंटे, एक बार तो मैंने 18 घंटे 19 घंटे की थी, इनफैक्ट 19 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, उसके बाद मैं क्या दबा के खाया मैंने खाना, मैं टूट पड़ा खाने के ऊपर। एक चीज़ तो मुझे पता है कि मुझे पार्किंग बहुत दूर मिलने वाली है, आज फ्राइडे है तो इसलिए शायद दूर ना मिले इतनी ज़्यादा, देखते चलते हैं आराम आराम से कि कहाँ मिल सकती है पार्किंग अच्छी। एक सेकंड, अच्छी जगह। ओह ये यार ये बढ़िया जगह मिल गई आज भी पार्किंग, ये पेड़ की वजह से ना बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो गाइस मैंने गाड़ी लगा दी है एंड यूजुअली ना मुझे बहुत चल के जाना पड़ता है बिल्डिंग तक, लेकिन आज मेरे पास एक सोल्यूशन है उस चीज़ का, मेरा स्केटबोर्ड। तो चलो स्केटबोर्डिंग करते हुए चलते हैं। इतना धूप बहुत ज्यादा है। एंड बीच में ना ऐसे स्पाइक्स हैं जिसकी वजह से मेरे को मुश्किल होने वाली है स्केटबोर्ड क्रॉस करने में। यप, शायद इसलिए लगाया ना ताकि कोई स्केटबोर्डिंग ना कर पाए। स्टेप्स आने वाले हैं तो उसमें भी थोड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, सीख गया मैं क्योंकि काफी स्केटबोर्डिंग करना। चैलेंज चैलेंज चैलेंज, अपहिल बैटल जो मैं हार गया, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ।
तो हम ट्राई करने वाले हैं बहुत ज़्यादा स्पीड लाने का। लंच ब्रेक में बाहर निकले हैं एंड हम यहाँ पे एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ में ऐसे स्ट्रिप्स हैं बहुत ज़्यादा, काइंड ऑफ जो जहाँ पे स्पीड ब्रेकर टाइप होता है ना वो है, इसकी वजह से आई डोंट नो क्या होने वाला है। एक बार ट्राई करता हूँ, पहले गो। छोड़ो कैंसिल, ना हो पाएगा भाई। कार्तिक जिंदा रहने, नॉट सो इजी। ऑन कर दो, कर दो, कर दिया। देखो मैं उस वाले स्ट्रिप की तरफ जाने वाला हूँ जो एंड में दिख रहा है ना, ताकि दो स्ट्रिप में आए, एक स्ट्रिप पे ही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम डे सेफ नहीं लग रहा, अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं ये आपके लिए। अरे यार दो बार लोग आ रहे हैं तो भी रुक नहीं रहे हैं, यार लोग आ रहे हैं तो भी मतलब आपको दिखाने के लिए सब करने को रेडी है। इजी कर गया। गाइस ऑफिस से निकलते में कितना ज्यादा अंधेरा हो गया, 7 बज गए आज तो निकलते हुए, काम इतना था, अभी भी काम खत्म नहीं है, घर जाके काम भी करना है मुझे। एंड जान ने बोला कुछ सामान लेते हुए आना है तो वो सामान भी ले लूंगा रस्ते से, बट एक चीज़ है यार, वहाँ पे ना फ्राइडे मार्केट लगी हुई है आज, बहुत जाम होने वाला है। बस एक टेंशन हो रही है यार, वहाँ पे बस फंस ना जाऊँ मैं। यूजुअली यहाँ दोनों तरफ ना बड़ी मार्केट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे लाखों की तादाद में लोग होते हैं, बट आज कुछ भी नहीं है। बट ऐसा क्यों, अगर हम खुद सोच रहे थे कि आ जाएं मार्केट में थोड़ी सब्जियाँ फल खरीद लें, बट अब तो ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे हम आ पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी दुकानें थी, उन्हीं दुकानों में जा सकते हैं सिर्फ। गाइस अब हम करने वाले हैं डिनर। आज हमने बनवाया है चावल और चिकन, जो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है आजकल हमें, बिकॉज हम रात को रोटी अवॉइड कर रहे हैं। एंड पता क्या हुआ, आज तो हमने शाम को भी कुछ नहीं खाया, यूजुअली हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बट हमारा आज लास्ट मील ना लंच ही था, वो भी हमने शायद 12:30-1 बजे के अराउंड कर लिया था, तो हम बहुत देर से भूखे हैं एंड हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हम फुल पावर दबा के खाने वाले हैं खाना। अभी हम सोच रहे थे कि हम ना फ्राइडे मार्केट चले जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हम सोच रहे थे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे देंगे मार्केट में जाके, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो कोई दुकानें वगैरह मतलब कुछ भी लगी ही नहीं है रेडिया वगैरह, एंड बहुत ही कम ऑप्शंस होंगे, तो इन जनरल ये तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो इस चक्कर में ना मतलब कोई पॉइंट नहीं लगा हमें कि हम अपने आप को एग्जर्ट करें बाहर जाके, इसलिए हमें कि आराम से बैठते हैं। एंड नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे करीना कपूर की जाने जान, तो हम भी वो देख रहे हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये मूवी। और इस मूवी में ना जयदीप अहलावत भी है, ये जो पाताल लोक किया था जिस बंदे ने, एंड वो बहुत टाइम से बहुत सारे रोल्स करता हुआ आ रहा है ना, ये एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया मुझे इस मूवी के अंदर, जैसे ही मुझे पता चला ना कि इसके अंदर ये एक्टर भी है, तो हमने थोड़ी सी देख लिया आधे घंटे के करीब, एंड इंटरेस्ट तो हमारा बन ही गया, तो बस अब देखना है कि क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि ये सस्पेंस मूवी है, तो अभी तो शायद पूरा ना देख पाए क्योंकि नींद आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन कल फर्स्ट थिंग जब भी हम टीवी चलाएंगे ना तो इस मूवी को ख़त्म करेंगे, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मूवी कैसी है। गाइस हमने ऑलमोस्ट पूरी मूवी देख ली है, सिर्फ 40 मिनट की मूवी बची है, एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है हमें। तीनों एक्टर्स जो मेन एक्टर हैं ना, जयदीप अहलावत हो गया, करीना कपूर और विनय वर्मा, आई थिंक विजय वर्मा है उसका नाम, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अब हो गया सोने का टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एंड हमें बहुत नींद आ रही है, कल सुबह जल्दी उठ के जिम भी आना है, तो गाइस अब हम सोने जा रहे हैं, आप सबसे कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, एंड सी यू ऑल टुमारो।